हेलो डियर फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा, और वो टॉपिक है कि किसी भी सॉन्ग की जो स्पीड है, जो BPM है, वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपके पास कोई भी बेसिक एक मेट्रोनोम ऐप होनी चाहिए, उस ऐप की मदद से आप बहुत ही इजीली किसी भी सॉन्ग की स्पीड जो है वो आप मेजर कर सकते हैं। तो स्पीड से मेरा मतलब है कि उसका जो टेम्पो है या BPM, जिसको हम बीट्स पर मिनट भी बोलते हैं, तो वो आप बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपके पास कोई भी बेसिक मेट्रोनोम ऐप होनी चाहिए, और लगभग हर एक मेट्रोनोम ऐप में एक फीचर होता है जो कि हम में से बहुत से कम लोगों को पता होता है। तो उस फीचर का नाम है टैप फीचर। तो भी इस ऐप में भी आप देख सकते हैं कि लोअर राइट कॉर्नर में सेटिंग्स के ऊपर एक टैप का बटन है। तो इस फीचर की मदद से हम किसी भी सॉन्ग की स्पीड जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जो भी सॉन्ग की आपने स्पीड मेजर करनी है वो सॉन्ग आप चला दीजिए, और उसके साथ आप इस टैप बटन को अपनी फिंगर के साथ टैप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको टैप करना स्टार्ट करेंगे तो वो जो ऐप है, मेट्रोनोम ऐप, वो खुद ब खुद जो जिस स्पीड से आप उसको टैप कर रहे हैं तो वो स्पीड को वो कैच कर लेगी। और क्योंकि आप उसको अपने सॉन्ग के साथ सिंक्रोनाइज करके टैप कर रहे हैं, तो वो वाली जो स्पीड है वो आपके सॉन्ग की स्पीड होगी। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली वो जो BPM है वो डायरेक्ट मेट्रोनोम ऐप से मिल जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि वो एग्जैक्टली एक्यूरेट ना हो वो चीज़ जो है, तो उसमें क्या होगा फिर कि वो आपको एक नज़दीक की वैल्यू दे देगी, आपको आइडिया लग जाएगा। तो हो सकता है कि वो 1-2 BPM ऊपर नीचे हो। वो इसलिए भी हो सकता है कि आपकी जो टैपिंग की एक्यूरेसी है वो ठीक ना हो, या आपके मोबाइल की स्क्रीन की जो सेंसिटिविटी है, टच सेंसिटिविटी, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो बट ये है कि आपको एक नज़दीक की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद आप उसको सिंपली प्ले करके देख सकते हैं कि वो स्पीड जो है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही, ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कम कर लीजिए हिट एंड ट्रायल से। अगर वो कम है तो उसको थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। तो अल्टीमेटली आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो अभी आपने देखा, मैंने जब इसको टैप किया था तो मुझे इसने 128.5 की स्पीड दी। तो आइए देखते हैं कि ये कितना इसके साथ मैच करती है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ बीट जा रहा है, कोशिश करते हैं इसको बीट के साथ मिलाने की। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग मैच कर गया है ये। तो स्पीड जो है वो लगभग इसकी मैच कर गई है। तो थोड़ा बहुत अगर ये ऊपर नीचे होता तो मैं सिंपली इसको 128.5 की जगह 129, 130 या 127, 128 करके चेक कर लेता। तो एक आध BPM ऊपर नीचे करने से इसकी जो स्पीड है वो मैच हो जाती। तो इस तरह से हम इसकी स्पीड जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो फीचर है आप सभी को हेल्पफुल रहेगा किसी भी सॉन्ग का टेम्पो मेजर करने के लिए।
और मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आपके साथ समय समय पर रूबरू होता रहूँगा। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर नाउ।